वेलकम क्रिएटर, ये हमारा कम्युनिटी गाइडलाइंस मॉड्यूल है। इंस्टाग्राम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए बना है। ये जरूरी है कि कनेक्ट, एंगेज, शेयर और एक्सप्रेस करने के लिए ये सेफ प्लेस रहे। आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट तो करते ही हैं, पर इंस्टाग्राम ने क्रिएटर्स के लिए जो गाइडलाइंस बनाई है, हम चाहेंगे कि आप उस पर ध्यान दें और उसे अच्छी तरह समझें। तो आइए शुरू करें। इस प्लेटफॉर्म पर क्या अलाउड है और क्या नहीं, ये तय करने के लिए इंस्टाग्राम ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक सेट बनाया है। तो आइए एक एक करके उनके बारे में जानें। अपमानजनक भाषा, पब्लिक शेमिंग और इंडिविजुअल टारगेटिंग बिल्कुल मना है। ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है और कुछ लोगों को इनसे बुरा लग सकता है। और हाँ, आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हो सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप जो कहना चाहते हैं उसे बहुत रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव तरीके से कहें। पब्लिक और पर्सनल सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोई भी गंभीर धमकी देना या किसी के पर्सनल जानकारी को पब्लिक करना या बार बार अनचाहे मैसेजेस भेजना अलाउड नहीं है। इन सीमाओं को पार करने का मतलब है आपका कंटेंट डिलीट हो सकता है, आपका अकाउंट हटाया जा सकता है या दूसरे प्रतिबंध डाले जा सकते हैं। हम आपत्तिजनक कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि विविध पहचान वाले और अनुभव वाले लोगों के लिए ये हर्टफुल या इनसेंसिटिव हो सकता है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते वक्त ये जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अलग अलग कल्चर, जनरेशन और फेथ वाली हमारी कम्युनिटी को ये क्या असर करेगा। इंस्टाग्राम कम्युनिटी कल्चर को समझता है और प्लेटफॉर्म पर होने वाले हेल्दी कॉन्वर्सेशन को बढ़ावा देता है। हालांकि हम ऐसे कंटेंट को हटा सकते हैं या फ्लैग कर सकते हैं जो ग्राफिक हिंसा दिखाता हो, ताकि ये निश्चित हो कि इंस्टाग्राम पर सबका स्वागत है। यदि ऐसे कंटेंट निंदा करने, अवेयरनेस फैलाने या शिक्षा देने के लिए जरूरी हो, तो आप ग्राफिक हिंसा के बारे में चेतावनी का कैप्शन डालकर इसे पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम कम्युनिटी एक दूसरे की परवाह करती है। ये एक ऐसी जगह है जहां कठिन मुद्दों का सामना करने वाले लोग अवेयरनेस फैलाने या सपोर्ट पाने के लिए एक साथ आते हैं। इसलिए हम ऐसे कंटेंट को हटा देते हैं जिससे सुसाइड या सेल्फ इंजरी को बढ़ावा मिले, जिसमें ग्राफिक इमेजरी, रियल टाइम डिपिक्शन और काल्पनिक कंटेंट भी शामिल है। इंस्टाग्राम ऐसे कंटेंट भी हटा देता है जो विक्टिम की या सर्वाइवर की पहचान बताए या उन्हें नेगेटिवली टारगेट करे। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको कानून पालन करने वाला नेटिजन बनना होगा। मनुष्यों या जानवरों का शोषण, गैर कानूनी सामान और सेवाओं को बेचना या खरीदना, ऑर्गेनाइज्ड अपराध या आतंकवाद की प्रशंसा करना या नफरत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कंटेंट को हटाने के अलावा, जब हमें पब्लिक सुरक्षा के लिए खतरा महसूस होता है, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी काम करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंस्टाग्राम पर ऑथेंटिक होना जरूरी है। कृपया निश्चित करें कि आप नकली या मिसलीडिंग संदेश पोस्ट नहीं करते हैं, किसी और का रूप धारण नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से लाइक्स या फॉलोअर्स को इकट्ठा नहीं करते हैं या लोगों की परमिशन के बिना कमर्शियल पर्पस के लिए उनसे बार बार संपर्क नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम ऑथेंटिक कम्युनिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देता है और ये इस प्लेटफॉर्म पर एक क्रिएटर होने के लिए जरूरी है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गंभीरता से लेते हैं और मानते हैं कि वे हमारी कम्युनिटी में एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा बनाया गया कोई भी ओरिजिनल कंटेंट का क्रेडिट आपको ही दिया जाएगा। हालांकि याद रखें कि केवल ऑथेंटिक कंटेंट पोस्ट करें, ना कि ऐसी कंटेंट जिसे आपने इंटरनेट से कॉपी या कलेक्ट किया है और जिसे शेयर करने का आपके पास अधिकार नहीं है। ये था हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक स्नैपशॉट। क्रिएटर के रूप में आप हमारी कलेक्टिव कम्युनिटी को एक सेफ, काइंड और पॉजिटिव स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको लगता है कि हमारे गाइडलाइंस का उल्लंघन कर सकता है, तो कृपया हमारे बिल्ट-इन रिपोर्टिंग टूल का उपयोग करके हमारी हेल्प करें, जो आपको रियल टाइम में आपका नाम बताए बिना हमें कुछ भी रिपोर्ट करने की परमिशन देता है। रिपोर्ट की जांच करने के लिए और ये निश्चित करने के लिए कि इन गाइडलाइंस का पालन किया जाए, हमारी ग्लोबल टीम 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है। हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के परिणाम उल्लंघन की गंभीरता और प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति की हिस्ट्री पर निर्भर होते हैं। विवादास्पद बातचीत में शामिल होने के दौरान हमें दूसरों का ध्यान रखते हुए सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। कृपया सोच समझ कर निर्णय लें और जब डाउट हो तो हेल्प सेंटर में उपलब्ध कम्युनिटी गाइडलाइंस की पूरी जानकारी देखें। आइए एक साथ निश्चित करें कि इंस्टाग्राम हमारी कलेक्टिव कम्युनिटी के इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के लिए एक सुरक्षित और ऑथेंटिक स्थान बना रहे।